हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आई एम योर इंग्लिश टीचर, मैं हूँ आपकी अंग्रेजी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका SPL स्टडी पर, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको अलग अलग विषयों पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल ट्यूटोरियल्स मिलते हैं। तो अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कुछ ऐसे वाक्य जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, थोड़ा बहुत फेर बदल कर देते हैं पर बोलते हैं, कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस जो कि मैं लाई हूँ आपके लिए हिंदी में बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब आप इंग्लिश में बोले इन सेंटेंसेस को सीखें, किस तरह से ये सेंटेंसेस हमने फॉर्म किए हैं, बनाए हैं, और इन सेंटेंसेस को आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप अपनी कन्वर्सेशन में शामिल करिए, अपनी स्पीकिंग को और भी इफ़ेक्टिव सुंदर बनाइए। बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, जब हम किसी से मिलते हैं, अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम उससे उसका नाम पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। ये WH वर्ड को मैं अपने फार्मूला में क्वेश्चन वर्ड लिख रही हूँ। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम या आर में से एक, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है में क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो क्या की इंग्लिश है व्हाट, और तुम्हारा नाम योर नेम जो कि एक सिंगुलर नाउन है, एक वचन का करता है, तो इसके साथ लगेगा इज। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपके पिताजी का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर। ऑफ हमने लगाया है का के लिए, तुम्हारे पिताजी का नाम है ना, तो का के लिए ऑफ। अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखना चाहें तो व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, फादर्स अपोस्ट्रोफी एस लग गया है तो इसका मतलब ही है पिताजी का। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। आपके विद्यालय का क्या नाम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। आपकी कक्षा अध्यापिका का क्या नाम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, व्हाट इज़ योर क्लास टीचर्स नेम। आपकी उम्र क्या है, व्हाट इज़ योर एज। आपकी समस्या क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। मामला क्या है, व्हाट इज़ द मैटर। आपका व्यवसाय क्या है, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। मेरी गलती क्या है, व्हाट इज़ माई फॉल्ट। ये जो जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं ये मैं क्या, क्वेश्चन वर्ड आप नोट कीजिए, क्या वाले वाक्य आपको अभी बता रही हूँ, व्हाट इज़ माई फॉल्ट। भूकंप क्या है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, भूकंप क्या है या फिर सुनामी क्या है या फिर पर्वत श्रृंखला क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बहुत पूछने को मिलते हैं, मतलब कि इन चीज़ों को डिफाइन करना होता है, तो वो इस तरह से पूछते हैं, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, व्हाट इज़ अ सुनामी, व्हाट इज़ अ लेक, अ वाटर बॉडी। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसी पैटर्न में, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, भूकंप क्या है। आपका इरादा क्या है, व्हाट इज़ योर इंटेंशन। उनके अधिकार क्या नहीं हैं। पिछला सेंटेंस देखिए, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अब शुरू हो गए हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके रूल को ध्यान से देखिए और आने वाले अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स के नेगेटिव रूल को भी ध्यान से देखिएगा, क्या फ़र्क आएगा वो मैं आपको उसी वक्त बता दूंगी। अभी आप फ़िलहाल व्हाट जो शब्द है, व्हाट यानी कि क्या, उसके जो नकारात्मक वाक्य हैं WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ व्हाट, क्या, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है इसको ध्यान से देखिए और
हो सके तो नोट कीजिए इसको कॉपी पर, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी बार बार इस नियम को देखने की। क्वेश्चन वर्ड उसके बाद इज एम आर, फिर लगेगा नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उनके अधिकार क्या नहीं है, व्हाट आर नॉट देयर राइट्स। उसका कर्तव्य क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट हर ड्यूटी। तुम कौन हो, अब ये शब्द क्वेश्चन शब्द बदल गया है, अब ये कौन वाले वाक्य शुरू हो गए हैं। तो ये कौन शब्द का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुम कौन हो, हु आर यू, कौन की अंग्रेजी है हु। मैं कौन हूँ, हु एम आई। वह कौन है, वह शी भी हो सकता है लड़का और ही भी हो सकता है, माफ कीजिए, शी हो सकती है लड़की या ही हो सकता है लड़का। तो हु इज ही या हु इज शी। वह आदमी कौन है, वह आदमी मतलब दैट मैन, हु इज दैट मैन। ही मैन या शी मैन, शी वुमेन नहीं लिखेंगे हम, हु इज दैट मैन, हु इज दैट वुमेन, अगर वह औरत क्यों है। वे कौन हैं, हु आर दे। राम प्रसाद कौन है, हु इज राम प्रसाद। यह राम प्रसाद कौन है, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि जिसके बारे में हमने बहुत सुना है, अच्छा या बुरा कुछ भी, हम उसे नहीं जानते तो हम उसके बारे में पड़ताल करेंगे, ये राम प्रसाद कौन है, तो हम उसको इस तरह से बोलेंगे, हु इज दिस राम प्रसाद। हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हु इज अ प्राइम मिनिस्टर। तुम्हारी समिति का अध्यक्ष कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ योर सोसाइटी। तुम्हारे परिवार का मुखिया कौन है, हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली। कक्षा में यह नया लड़का कौन है, फिर से यह नया लड़का, तो हु इज दिस न्यू बॉय इन द क्लास। तुम्हारा मालिक कौन है, हु इज योर बॉस। तुम्हारा पक्का मित्र कौन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। कौन कौन, अभी ये देखिए इन वाले वाक्यों में सब में कौन एक बार आ रहा था, कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा पक्का मित्र कौन है, इस वाक्य में कौन कौन दो बार आ गया, तो जब कौन कौन दो बार आ जाएगा तो हम लगाएंगे हु ऑल। तो कौन कौन अनुपस्थित है, हु ऑल आर एब्सेंट। इस सब के पीछे कौन है, हु इज बिहाइंड ऑल दिस। ये जो घटना हुई है ये इस सब के पीछे कौन है, ये जो बात निकली है इस सब के पीछे कौन है, हु इज बिहाइंड ऑल दिस। ये जो सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है इस सब के पीछे कौन है, हु इज बिहाइंड ऑल दिस। इस गीत का गायक कौन है, हु इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। तुम्हारा पसंदीदा नायक कौन सा है, हु इज योर फेवरेट हीरो। अगला कौन है, हु इज नेक्स्ट। अब ये कौन शब्द के नकारात्मक वाक्य यहाँ पर शुरू होते हैं। तुम्हारा रिश्तेदार कौन नहीं है। नकारात्मक वाक्य में इस सेंटेंस में भी जैसे कि हमने व्हाट के नकारात्मक वाक्य बनाए थे उसमें हमने इज एम आर के बाद नॉट लगाया था, सेम इसी तरह से हु के नकारात्मक वाले वाक्यों में भी हम इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे। तुम्हारा रिश्तेदार कौन नहीं है, हु इज नॉट योर रिलेटिव। हमारी टोली का सदस्य कौन नहीं है, हु इज नॉट द मेंबर ऑफ आवर टीम। मेहमान कौन नहीं है, हु इज नॉट अ गेस्ट। वे उदास क्यों हैं, अब ये यहाँ से वाक्य शुरू होते हैं क्यों वाले, क्योंकि अंग्रेजी है why, ये WH word sentences है क्योंकि। वे उदास क्यों हैं, why are they sad। तुम देरी से क्यों हो, why are you late। वह यहाँ क्यों है, वह लड़का भी हो सकता है लड़की भी, तो why is she here। किसी से अगर चिढ़ के हम कहते हैं कि यहाँ पे क्यों है ये, तो why is she here या why is he here। तुम्हारे हाथ गीले क्यों हैं, why are your hands wet। यह खाली क्यों है,
Why is it empty? कोई लिफाफा या कोई बैग इसके बारे में हम बात करते हैं. Why is it empty? तुम यहाँ क्यों हो? Why are you here? अपने काम पर क्यों नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो? Why are you here? तुम तैयार क्यों नहीं हो? यहाँ से शुरू होते हैं why शब्द के नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य. अब इसमें एक चीज़ नोट कीजिए आप, जब आपने what शब्द के या who शब्द के नकारात्मक वाक्य किए थे तो not कहाँ लगाया था? नहीं अगर आपको याद तो मैं बताती हूँ, आपने not लगाया था is, am और are के बाद. ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए और इस फर्क को समझिए. What और who वाले वाक्यों में, what और who शब्द वाले वाक्यों में हमने not लगाया था is, am, are के बाद, लेकिन जो वाक्य why शब्द यानी कि क्यों शब्द के नकारात्मक वाक्य हैं, क्यों शब्द के नहीं वाले वाक्य हैं, उसमें हम not लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद. ये फ़र्क आप अच्छे से समझिए, इसके नोट्स बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि why शब्द के जब हम नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं तो हम not लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद. तुम तैयार क्यों नहीं हो? Why are you not ready? तुम्हारे अध्यापक सख्त क्यों नहीं हैं? Why are your teachers not strict? तुम्हारा मिजाज अच्छा क्यों नहीं है? Why is your mood not good? ये लोग खुश क्यों नहीं हैं? Why are these people, ये लोग की अंग्रेजी these people, why are these people not happy? तुम जिम्मेदार क्यों नहीं हो? कब समझोगे अपनी जिम्मेदारी? Why are you not responsible? That's all for now. आज के लिए अभी इतना ही. आज की वीडियो में हमने WH word interrogative और WH word interrogative negative sentences का के कुछ ऐसे examples सीखे हैं, समझे हैं, जो कि हम अपनी conversation में use कर सकते हैं. और तीन WH word यानी कि what, who और why, इनसे संबंधित वाक्यों को हमने सीखा है, देखा है. और भी वाक्य हैं अभी मेरे पास WH word interrogative और WH word interrogative negative के आपको बताने के लिए, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो वास्तव में इंटरेस्ट खो देता है, अपना अर्थ खो देता है और खिचड़ी सी पक जाती है. एक जब नई चीज़ सिखा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं सिखानी चाहिए, धीरे धीरे करके सिखाना चाहिए और धीरे धीरे करके ही सीखना चाहिए. तो तीन शब्द आज आपने सीखे हैं, इनको अच्छे से समझिए, रिविजन कीजिए, नोट्स बनाइए, जैसे भी आपको सूट करे वैसे कीजिए. अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बाकी के वाक्य अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना वैल्यूएबल टाइम देकर इस वीडियो को देखने के लिए. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा. और टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय.